बड़ी खबर राजस्थान से है, जहां पर झालावाड़ में बड़ा हादसा हो गया। यहां वैन और ट्रक की भिड़ंत हुई, इसमें 9 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना की जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि हादसे में जिन लोगों की जान गई, वे मध्य प्रदेश से लौट रहे थे। फिलहाल शव कब्जे में लेकर मॉर्चरी में रखवा दिए गए। जानकारी के अनुसार सभी लोग वैन में सवार होकर मध्य प्रदेश से अपने घर डुगर गांव लौट रहे थे। इसी दौरान पचोला के समीप एक बेकाबू ट्रॉले ने वैन को टक्कर मार दी। अकलेरा थाना प्रभारी संदीप बिश्नोई ने बताया कि अलकेरा के समीप डुंगर गांव के बागरी समाज के लोग शनिवार को अपने रिश्तेदार के शादी समारोह में मध्य प्रदेश गए थे। इसी दौरान बारात से लौटते वक्त उनकी वैन तेज रफ्तार ट्रोले की चपेट में आ गई। उन्होंने कहा कि हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शव को अकलेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखवाया है। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी लोग बागरी समाज के हैं। फिलहाल पुलिस इस हादसे में कारण जानने में लगी है। उन्होंने कहा कि हादसे की सूचना परिजनों को दे दी गई। परिजनों की शिकायत के बाद ही आगे की कार्रवाई की जानी है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में बैठे बागरी समाज के 9 युवकों की जान चली गई। सूचना मिलते ही ASP चिरंजी लाल मीणा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ट्रोला चालक को राउंड अप करवा लिया है। इसका रोड है, इसमें अकेला के पास में एक मोड है। उस मोड पर आज रात करीब 2:40 AM के आसपास ये घटना हुई है, जिसमें अकलेरा के बागरी समाज की बारात थी जो खिलचीपुर एरिया में गई थी। वापसी में लौटते वक्त वो ओमिनी गाड़ी में सवार थे, उसमें 10 व्यक्ति सवार थे, जिनमें एक्सीडेंट में 9 आदमियों की डेथ हो गई और 1 आदमी भी गंभीर रूप से घायल है, जो यही अकलेरा हॉस्पिटल में एडमिट है। तो सर जो गंभीर घायल है उसकी अभी वर्तमान में स्थिति कैसी है सर? अभी वो थोड़ा ठीक कंडीशन में, और हम तो उसके बेहतर से बेहतर इलाज करवाने की व्यवस्था कर रहे हैं, और मृतकों का बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा के बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम के पश्चात उनको हमने परिजनों को बॉडी सपोर्ट की जा चुकी है और मौके पर कानून व्यवस्था बनी है। सर मामले को लेकर जो अग्रिम क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इसमें हमने जो आरोपी है जिसने एक्सीडेंट किया उसको डिटेन किया जा चुका है, वाहन को हमने जब्त किया गया है और इन्वेस्टिगेशन हमारे SHO अकलेरा के द्वारा की जा रही है, पूछताछ जारी है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग खानापूर्ति कर रहा है। देर रात झालावाड़ के अकलेरा में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 9 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। झालावाड़ में अवैध वाहनों का संचालन बहुत अधिक है, लेकिन ऐसे वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं मुख्यालय के अधिकारी भी सिर्फ और सिर्फ राजस्व लक्ष्य जुटाने में व्यस्त है। सड़क सुरक्षा के नाम पर प्रदेश में सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। अब जिस तरह से एक शादी समारोह के बाद लौटते हुए 9 लोगों की जान चली गई, ये चिंता का विषय है। विषय है परिवहन का, राजस्थान सरकार की लापरवाही का, उस लापरवाही का जिसने 9 लोगों की जान ले ली। और लगातार इस तरह के हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस घर में शहनाई बजी थी, जिस घर में शादी समारोह हुआ था, उस घर में इस तरह मातम पसर गया, उसके बाराती कह लीजिए या फिर रिश्तेदार अब अपनी जिंदगी खो चुके हैं और परिवार मातम झेल रहा है। दुख की घड़ी आ चुकी है।